राजनांदगांव में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां मॉक ड्रिल किया गया और फ्रंट लाइनर को सबसे पहले डमी वैक्सीन दी गई, जिसका निरीक्षण कलेक्टर टीके वर्मा ने किया। सीएमएचओ ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राजनांदगांव शहर के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल, शंकर स्कूल और डोंगरगढ़ में खालसा स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। स्कूल के अलग अलग कमरों में वैक्सीनेशन लगाने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन में स्वास्थ्य विभाग के वे कर्मी हैं जो लगातार कोविड में काम करते आ रहे हैं। इन्हें मॉक ड्रिल के अंदर डमी वैक्सीनेशन दिया गया है। इस दौरान मेल फीमेल के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी की भी व्यवस्था की गई है। सेंटर में 7 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा पुलिस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेंगे। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट व्यक्ति को रुकना पड़ेगा। पूरे देश भर में जो कोरोना टीकाकरण आगे चालू होना है, उसका आज मॉक ड्रिल रखा गया है, तो राजनांदगांव जिले उसमें शामिल है। और जिले में आज 3 वैक्सीनेशन सेंटर पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें से एक बक्सी स्कूल है, दूसरा यहाँ शंकरपुर हाई स्कूल में है, तीसरा डोंगरगढ़ में है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जैसा जैसा भारत सरकार से, राज्य शासन से जो निर्देश मिला था, उसके अनुरूप यहाँ पे पूरी तैयारी है। 3 सेंटर बनाए हैं जिले में, एक डोंगरगढ़ खालसा स्कूल और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में शंकरपुर और गौरवपथ में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी स्कूल, जहाँ पर हम लोग ने पूरी तैयारी की है। जिस तरह से वैक्सीन लगाए जाएंगे, पूरी लिस्ट तैयार है हमारे पास, और लिस्ट वेरीफाई करके उनको एक एक करके वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद 30 मिनट उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मेल फीमेल के अलग कक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, हम लोगों ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, पूरा हमारी लोगों की लाइन लिस्ट थी, और कल हम लोगों को शाम को मैसेज आया कि आपको यहाँ पे इस संस्था पे वैक्सीनेशन लगेगा। हम लोग बहुत उत्साहित थे वैक्सीनेशन के लिए, और सुबह से 9 बजे से हम लोग आ गए थे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना वैक्सीन हम लोगों को यहाँ पे मॉक ड्रिल पे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।